हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। हम लोग यमुना की ड्रामे का इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा तेरे बहन टू, कब आएगा जेंटलमैन। पर यमुना का एक और हमें इंतजार था चीज का, वो ये था कि अवार्ड। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। तो अवार्ड जो है LSA होने वाले हैं आज। और अगर यमुना आज जो नॉमिनेट है जिस जिस चीज में, तो उसमें है बेस्ट क्रिटिक, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट जोड़ी, ये सब कुछ अवार्ड में यमुना का नाम है। पर अगर यमुना जो है ये जीत जाती है कोई भी अवार्ड इसमें से, तो यमुना जो है वो सानिया सईद के साथ खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि सानिया सईद ने भी 5 अवार्ड जीते हैं और यमुना भी 5 अवार्ड जीती है। क्योंकि पिछले साल उसने प्यार के सदके जीता था, उससे पिछले साल 2021 में प्यार के सदके पे अवार्ड जीता था। तो ये लिस्ट आई है कि अगर ये अवार्ड जीतती है बख्तावर पे, जो कि मस्ट है, जीतना है, तो वो सानिया सईद के बराबर खड़ी होगी। कि जितने अवार्ड सानिया सईद ने जीते हैं उतने अवार्ड जो है यमुना ने भी जीते हैं। और फिर अगले साल जब तेरे बिन आएगा तो आपको पता है वो 6 हो जाएंगे। और तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त कहानी हो जाएगी। और बाकी आगे निकलने के चांसेस है यमुना के, तो तुम लोगों को इसके बारे में क्या कहना। तुम में से काफ़ी लोग बोल रहे हैं भाई ड्रामे के बारे में बताओ। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं सबसे पहले तुम लोग को बताऊंगा। अभी जब तक यही चीज़ इंजॉय करो। और आज जो है यमुना बख्तावर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीते ही जीते, क्या ख्याल है। तो दोस्तों ये जो लुक है आप देख रहे हो यमुना की, ये रिहर्सल वाली लुक है, अभी ओरिजिनल लुक नहीं आई। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे SLA की लुक क्या है यमुना की, तो SLA की लुक जो है वो ये वाली नहीं है, ये रिहर्सल वाली है। पर लग देखो कितनी अच्छी रही है। इससे पहले जो 2021 में जो LSA हुआ था उसमें यमुना की लुक देख लो कैसी है, तो ये लुक वाइज भी देख लोगे कैसे थे लोग। तो बस ये मैंने कहा तुम लोग को बता दूँ। और बस अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो।